हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज मैं एक और बहुत ही ब्यूटीफुल सा डिज़ाइन आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ। आज हम सीखेंगे मधुबनी मोटिफ बनाना, और मोटिफ से छोटी सी एक पेंटिंग बनाएंगे। और ये जो पेपर का जो साइज़ है ना, ये A5 साइज़ है, बहुत छोटा है, मतलब A4 का जो हाफ पोर्शन होता है ना वो है। और यहाँ पर इस तरीके का कचनी बॉर्डर मैंने ड्रॉ करके रखा है पहले से, तो इस तरीके से आप बॉर्डर बना सकते हैं। पतला पतला बॉर्डर बनाया है मैंने, बहुत ज़्यादा मोटा नहीं बनाया है, क्योंकि हमारा जो पेज है वो बहुत छोटा है। और यहाँ पर हम बीच में मोटिफ बनाएंगे, तो हम यहाँ पर बनाना सीखेंगे हंस, किस तरीके से हंस को बनाते हैं और कचनी स्टाइल में किस तरीके से उसको बनाते हैं। तो बनाने के लिए मैं यूज़ करूँगी यहाँ पर कैमल की ये ब्लैक इंक, और ड्रॉ करूँगी मैं यहाँ पे सबसे छोटी वाली निब से, जैसा कि आप देख रहे हैं, क्योंकि पेपर छोटा है तो मुझे बहुत मोटा मोटा लाइन्स नहीं चाहिए। और कलरिंग के लिए भी मैं कैमल की इंक यूज़ करूँगी। तो आइए जल्दी से शुरू करते हैं। और ब्रशेस आप कोई भी ब्रश यूज़ कर सकते हैं, छोटा पेपर है तो छोटे ब्रशेस यूज़ कीजिएगा। तो जल्दी से आइए शुरू करते हैं और बना लेते हैं एक और ब्यूटीफुल सा मधुबनी डिज़ाइन। तो सबसे पहले हम जो हमारा हंस जो हम बनाएंगे उसके ऊपर का पोर्शन बनाएंगे और उसको फिनिशिंग करेंगे, उसके बाद हम उसकी पूरी बॉडी बनाएंगे। तो यहाँ पर मैंने इस तरीके का एक लीफ शेप कह सकते हैं बनाया, और उसको फिर पार्टीशन कर दिया टू पार्ट्स में, और इसके बाद इनको डबल लाइन से मैंने किया है। और फिर इस तरीके से हम इसमें कचनी, ये जो डिज़ाइन अब आज इसमें में हम डालेंगे वो कचनी डिज़ाइन होता है, क्योंकि इसमें हम मोस्टली लाइंस का यूज़ करते हैं, कलरिंग कम करते हैं। तो आइए जल्दी से इसको बनाते हैं और सीख लेते हैं एक और ब्यूटीफुल सा कचनी डिज़ाइन।
अब जो ये बारीक चेक जो डाला हुआ है यहाँ पर, मैं भी मैं इसको फाइन लाइन से बना के फिनिश कर लूँगी, क्योंकि ये कछनी है। मुझे थोड़ा नीचे का वो जो पोर्शन है ये थोड़ा खाली लग रहा था, तो यहाँ पे मैंने इस तरीके की लीव्स बना दी हैं। और आप देख सकते हैं कि ये कितना सुंदर लग रहा है। कछनी मधुबनी पेंटिंग की अपनी ही एक अलग खूबसूरती होती है, और उसमें बस काम बहुत ज़्यादा होता है, महीन काम होता है। मुझे थोड़ा ऊपर भी खाली लग रहा था, और इसलिए मैंने यहाँ पर इस तरीके का ये एक डिज़ाइन ड्रॉ किया है, और इसमें मैं कलर करूँगी। और ये बहुत ही सुंदर लगता है कचनी के साथ, कहीं कहीं पे अगर आप उसको कलर देते हैं तो बहुत ही अट्रैक्टिव एक लुक आता है। और ये बहुत ही छोटी सी और बहुत ही क्यूट सी हमारी पेंटिंग बन के रेडी हो जाएगी। और यहाँ पर मेरा जो हंस है वो तो ऑलरेडी रेडी है, बस यहाँ पर मुझे थोड़ा ऊपर कलरिंग देना है। यहाँ पर मैंने क्या किया है, इसको पूरा कलर से फिल ना करके मैंने वाइट कलर का जो होता है इंक में ही आता है उसमें निब को डिप करके यहाँ पर मैं वाइट कलर की कचनी कर रही हूँ। ये तो इसमें क्या है कि बहुत ज़्यादा कलर भी नहीं दिखेगा, और एक हल्का हल्का सा वाइट शेड भी आ जाएगा, और ये बहुत ही सुंदर लगेगा जब पूरा बन जाएगा। और यहाँ पे थोड़ा सा अट्रैक्टिव लुक देने के लिए मैंने थोड़ा सा ब्लू कलर का यूज़ किया है फेस में और उसकी नेक में, और जो उसकी बीक है, जो चोंच है, वहाँ पर मैंने येलो कलर लिया है। तो अब आप देख सकते हैं कि ये कितना ही सुंदर, बहुत ही ब्यूटीफुल लग रहा है। बट यहाँ पे मुझे कुछ कमी लग रही है, तो इसलिए मैंने जो मेरा ऊपर वाला डिज़ाइन है उसको कलर कर दिया है, और वो बहुत ही सुंदर लग रहा है कलर करने के बाद। सो फ्रेंड्स, ये है फाइनल लुक इस क्यूट सी पेंटिंग का। देखिए कितना जल्दी जल्दी से हमने, और कितनी जल्दी ही हमने आज इस सुंदर से मोटिव को सीख लिया। आप चाहें तो इस हंस को कहीं पे भी ड्रॉ कर सकते हैं, किसी बड़ी पेंटिंग में भी यूज़ कर सकते हैं, और चाहें तो इस तरीके की क्यूट छोटी सी पेंटिंग भी बना सकते हैं। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।